सातवां देवताओं ने गोष्ठी किया, बोले इस बालक को वहां ना पलने दो, बोले तो क्या किया जाए, बोले कजादू का हरण कर लो। बोले अच्छा, मतलब हिरण्यकश्यपु के सामने कोई देवता जा नहीं पाता है, तुम उनकी पत्नी का हरण कर लोगे, बुद्धि फिर। बोले बताते हैं ना कैसे करना, हाँ बताते हैं कि हरण कैसे करना है। ये जब इस प्रकार से कहा, बोले क्या किया जाए, ये कुछ देवताओं को बुलाए, इधर आओ। कुछ देवताओं को बुलाया, इधर आओ। देवताओं ने कहा प्रभु बताओ। बोले ऐसा है, जाओ और जाकर के हिरण्यकश्यपु को चैलेंज कर, उनसे युद्ध करना है। बोले प्रभु क्या करना है, बोले युद्ध करना। अरे जिससे देवराज इंद्र युद्ध नहीं कर पाए, उससे हमें युद्ध करने के लिए भेज रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। अरे बोले ठीक है, आप युद्ध करने के लिए जाओ, मैं पीछे खड़ा हूं। स्थिति क्या हुई, जैसे यहां से जाकर के देवताओं ने ललकारना प्रारंभ किया, हिरण्यकश्यपु आकर के युद्ध करो, हिरण्यकश्यपु का माथा टनक गया। सोच लगा कि जो देवता मेरे सामने आने से घबराते थे, आज वो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तब तक वहां कोई बैठा हुआ था, किसी ने कहा हो सकता है संधि करने आए हो, तो उसने क्या बताए, संधि करेंगे कि नवल नीच आते दुखदाई। जब नीच ज्यादा झुक करके प्रणाम करने लगे, तब वो समझ जाओ कुछ ना कुछ मामला है। जो जीवन पर्यंत कभी आपके सामने ना झुका हो, अचानक से आकर के झुक जाए, तो कोई ना कोई मसला जरूर है। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने सोचा, जब तीनों लोग अपना है तो चिंता किस बात की, चलो लड़ा जाएगा, अगर ऐसी बात है तो लड़ा जाएगा। ए जैसे वहां से निकला लड़ने के लिए, राजमहल छोड़ करके, बस सारे के सारे देवताओं ने जैसे हिरण्यकश्यपु को देखा, भागे वहां से। और जैसे हिरण्यकश्यपु वहां भागे, कयाधु राजमहल में अकेली थी, देवराज इंद्र के साथ मिलकर के देवर्षि नारद ने कयाधु जी का हरण कर लिया। जब कयाधु का हरण कर लिया तो क्या किया, कयाधु जी को गर्भ धारण, गर्भ में है महाराज जी प्रहलाद। देवता लोग हरण करके लेकर के गए, क्या करते, कयाधु को सुंदर सुंदर बढ़िया कैथे का फल खिलाते हैं, बढ़िया मिष्ठान खिलाते हैं, बढ़िया सुंदर भजन करवाते हैं। और देवर्षि नारद जी उन्हीं मैया कयाधु को नवधा भक्ति का पाठ करवाते हैं। साधारण नहीं है नवधा भक्ति, ये वही नवधा भक्ति है जिसको देवर्षि नारद ने कयाधु को सुनाया था। ये होते करते धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कथा समापन वाला ना है, कथा के बीच वाला है, समय प्रतीक्षा नहीं करता है। धीरे धीरे जब समय बढ़ा, धीरे धीरे नौवां महीना लगा कयाधु को, ए लगा लगने लगा देवताओं को कि अब घर छोड़ देना चाहिए। देवराज इंद्र ने क्या किया, जब बढ़िया नौवां भक्ति का पाठ वाठ करवा दिया, गर्भाधान संस्कार पूर्ण हो गया पूरी तरीके से, स्थिति क्या हुई, कयाधु को लेकर के जाकर के हिरण्यकश्यपु के राजमहल में छोड़ दिया। जैसे राजमहल में कयाधु आई, पूछा हिरण्यकश्यपु ने कहां थी भाई इतने दिन से, बोले आप तीनों लोगों के राजा हैं, ये छत्र राज कर रहे हैं, पत्नी कहां चली गई पता नहीं है। भाई तू बहुत बड़का बुआ बना घूमत हो, तोरे घर के व्यक्ति कहां चला गया तो करना पता हो, तुम समाज के का पता लगे। वही बताया कि भाई आप तो एक छत्र तीनों लोगों का राज कर रहे हैं, पत्नी कहां चली गई पता नहीं। खोजने का प्रयास किए किंतु तुम मिली, बोले कहां थी, बोले संतों के संग में थी, बढ़िया जहां थी बढ़िया थी। अच्छा धीरे धीरे क्या हुआ, समय परिपूर्ण हुआ और उन्हीं मैया कयाधु के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चल करके महाराज श्री प्रहलाद जी के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए भक्त प्रहलाद की। स्थिति क्या, धीरे धीरे जब प्रहलाद जी थोड़ा सा बढ़ने लगे तो समझ में आया चलो नामकरण संस्कार कर दिया जाए, नाम रखा गया प्रहलाद। जब थोड़ा सा और बढ़े हुए तो हिरण्यकश्यपु के मन में विचार आया कि भाई पिता का ये कर्तव्य होता है बच्चे को शिक्षित करना। मैं हमेशा बोलता हूं भागवत कथा में, इस बात को मेरे विशेष ध्यान दीजिएगा, भले तो कथा में भटक जाओ लेकिन जो बीच में दृष्टांत बताइए का जरूर ध्यान। आप भले ही अपने बच्चों को दो रोटी कम खिलाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करें, क्योंकि कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पुष्पुच्छ विशालहीना। जो व्यक्ति साहित्य से दूर है, जो व्यक्ति संगीत से दूर है, जो व्यक्ति कला से दूर है, वो किस प्रकार से है, उस पशु के समान है जिसके पास पूछ ही नहीं।
और शिक्षित व्यक्तियों के लिए क्या बताया गया है शिक्षा के लिए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, क्या कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। किसी के लिए रिजर्व नहीं, जाओ शिक्षित बनो और समाज में बोलना प्रारंभ करो। और एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ वर्ल्ड, शिक्षा ही सफलता की पहली कुंजी है। तो इससे क्या हुई, वही हिरण्यकश्यपु सोच रहा है कि अब बालक को शिक्षित किया जाए, शिक्षा के केंद्र में इसको भेजा जाए। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे संडामर, संडामर्क को बुलाया, बुलाने के पश्चात कहा कि प्रहलाद को लेकर के जाकर के शिक्षित करो। संडामर्क प्रहलाद को लेकर के जाते हैं, कहां जाते हैं, उस विद्यालय में लेकर के जाते हैं जहां पर शिक्षा दी जाती थी। कौन सी शिक्षा दी जाती थी? ऐसा बम बांधो खुद भी मर जाओ, दूसरों को भी मार दो, जो आज के समय पर शिक्षा आईएस वाले पाकिस्तान वाले दे रहे। हाँ भाई, अपना कल्याण हो ना हो तो दूसरे का बिगाड़ने की शिक्षा लेते, वही शिक्षा देते, कैसे मारना है, कैसे काटना है। ये संडामर्क जैसे इनको लेकर के गए प्रहलाद जी को पढ़ाने के लिए, तो संडामर्क पढ़ाते हैं आम, तो प्रहलाद जी कहते हैं राम, कहते हैं राम नहीं कहना है, आम कहना है, कहते हैं आम नहीं कहना, पहले आम आया कि पहले राम आई? और ये बताओ मुझे कि आम को बनाने वाला कौन है, आम में रस देने वाला कौन है, आम को पकाने वाला कौन है, पेड़ को बचाने वाला? ये आम के बारे में ना बताओ, हमका हमका राम के बारे में बताओ। ये बड़ी बुद्धि घूम, हम पढ़ाते हैं आम, ये पढ़ता है राम, स्थिति तो बड़ी जटिल है, परेशान हो गए जो पढ़ाते, उल्टे इनको पढ़ाने लग गए प्रहलाद जी। स्थिति क्या हुई, जब वहां से निकले तो बच्चों को इकट्ठा करके कीर्तन करवाना प्रारंभ। ए जब संडोरमर्क आए, देखा रे सर पे हाथ रख लिए, ये तो पूरा गुरुकुल वही बिगाड़ देगा भैया, अगर ये रह गया तब तो सब इधर से उधर कर देगा, इसको लेकर के ए तुरंत उसको वहां से लिया, लेकर के गए हिरण्यकश्यपु के पास, उनसे कहा ए भैया इनको हम नहीं पढ़ा पाए, काहे नहीं पढ़ा पाए, कहीं क्या पढ़ाए इनको, ये उल्टा हम लोगों को पढ़ाने लगते हैं। सुनो, अगर ये ज्यादा दिन रही जी विद्यालय में तो हमारे विद्यालय बिगड़ जी पूरा, मैं नहीं पढ़ा पाऊ, परेशान हूं। सोचने लगा हिरण्यकश्यपु क्या किया जाए, बुलाया धीरे धीरे प्रहलाद जी, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, साधारण नहीं, भगवान विष्णु के। स्थिति क्या, जब इतनी बड़ी अनन्य भक्ति देखी तो हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, क्या सोचने लगा, राजनीति लगा। राजनीति कहती है, राजनीति कहती है कि राजनीतिक गद्दी को पाने के लिए जो है अगर सामने किसी के गले को भी काटना पड़े तो काट दो, कट ही रहा, यही तो राजनीति बताती है। राजनीति कहती है साम दाम दंड भेद जो लगाना है वो लगाओ, लेकिन कुर्सी ना जाने पाए, सत्ता अपने पक्ष में आनी चाहिए। वही सोच रहा है, पुत्र तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन राज्य के और थे पहले से भी, अकेले प्रहलाद जी नहीं। मन में विचार आने लगा, भाई क्या किया जाए, समझ में आ गया कि अगर राज्य पर संकट मंडरा रहा है इसकी वजह से, ये मेरे शत्रु का सबसे बड़ा भक्त है, तो इसको जीवन जीने का कोई अधिकार किया गया। पार्षदों को बुलाया, बुलाने के पश्चात दे दिया क्या, जाओ जाकर के लेकर के इनको पर्वत से धक्का दे दो, पर्वत की चोटी से। ये सारे के सारे पार्षद आए, लेकर के गए पर्वत की चोटी से नीचे, पहाड़ से खाई में फेंक दिया महाराज श्री प्रहलाद जी को, और फेंक करके जैसे राजमहल में आए, ये हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्यों कार्य संपन्न हो गया, बोले हाँ प्रभु संपन्न हो गया। ये जब तक इतना बता ही रहे थे तब तक प्रहलाद जी सामने आकर के खड़े हुए, बोले संपन्न हो गया, बोले हाँ संपन्न हो गया, कहीं तनिक पीछे देखो। ये जैसे पीछे घूम करके देखा प्रहलाद जी यथावत वैसे ही खड़े, और परेशान हो गया, क्या किया जा, आज्ञा दे दिया लेकर के जाकर के हाथी के पांव के नीचे डाल करके कुचलवा। स्थिति क्या होती है, जैसे लेकर के जाते हैं डालते हैं, हाथी पांव बढ़ाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कहते हैं हाथी पांव पीछे कर लेता, बहुत प्रयास किए लेकिन हाथी ने पैर नहीं रखा, बोले अब क्या किया जाए, बोले खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाल। स्थिति क्या, खोलते हुए तेल की कड़ाही में डाला गया है, खोलता हुआ तेल इनको मानो जलवत प्रतीत हो, बड़ा परेशान हुआ, भाई क्या किया जाए, बोले काम कर, बोले विष्णु प्याला पिला दो, जहर पिला दो, ये जहर भी शहद की तरह पी गए महाराज श्री प्रहलाद जी। ध्यान करते करते अगर बचाने वाला वो है तो यहां वाला कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
स्थिति क्या हुई, बड़ा परेशान, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। याद आई बहन, याद आई बहन, स्थिति क्या हुई। हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, पहले नाम था सिंहिका, बाद में पड़ा होलिका। स्थिति क्या थी, होलिका को वरदान प्राप्त था, विधाता ब्रह्मा द्वारा एक कमरी प्राप्त थी कि जब वो उस कमरी को ओढ़ करके भौतिकनी में बैठ जाएगी तो वो जलेगी नहीं। स्थिति क्या हुई, होलिका को बुलाया गया। होलिका ने पूछा, हाँ भैया क्या बताया प्रहलाद के बारे में। उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं भाई के तरफ हूँ, क्योंकि भतीजे तो कई मिल सकते हैं लेकिन भाई एक ही बचा है, तो हम भाई का पक्ष लेंगे। स्थिति क्या, समय के अनुरूप लकड़ी लगाई गई और लकड़ी लगा करके उसमें अग्नि लगाई गई, होलिका को बैठाया गया, होलिका ने वरदानी कमरी को ओढ़ करके होलिका बैठी और महाराज श्री प्रहलाद जी को गोद में बिठाया गया और गोद में बिठा करके जैसे अग्नि प्रज्वलित किया गया, एक धू धू करके जलने लगी। स्थिति क्या होती है, देखते देखते होलिका जल करके राख हो गई और महाराज श्री प्रहलाद जी उन्हीं आग के अंगारों को पुष्पवत खेल रहे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। बड़ी जैसे व्यास जी ने बताया कि होलिका जल करके राख हो गई है, जन्मेजय जी ने रोक दिया, काहे गड़बड़ दिशा में जा रहे, काहे गड़बड़ दिशा में जा रहे हैं। अरे व्यास जी, अब आपने कहा था कि होलिका को वरदान प्राप्त था ब्रह्मा द्वारा उसको कमरी में, जब वो ओढ़ के बैठी थी तो कैसे जल सकेगी। भाई प्रहलाद चलेंगे होलिका, प्रहलाद चलेंगे होलिका तो बच ही जाए। तो उन्होंने कहा व्यास जी ने, नहीं समझ पाओगे, भक्ति सूत्रोपनद्यः, ये भक्ति का सूत्र है, साधारण नहीं। बोले क्या है, बोले होलिका को वरदान प्राप्त था, वो भौतिक अग्नि में नहीं जलेगी। तो बोले तब कौन अग्नि में जल के राख हो गई। भाई ब्रह्मा सृष्टि करते हैं तो ब्रह्मा के सृष्टि से पहले नारायण आ गए थे, ऐसे कह करके देखा हिरण्यकश्यपु की तरह। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ना धरती पर मरेंगे ना आकाश पर मरेंगे। भगवान ने क्या किया, चट से उठाया हिरण्यकश्यपु को, खट से अपनी जंघा पर बिठा लिया। बोले ना धरती पर हो ना आकाश पर हो, मेरी जंघा पर हो। और बताते बताते उन्होंने क्या किया, अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण कर डाला।